बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं, यहाँ भी खाई है यहाँ भी खाई है। वाह, बहुत ज्यादा ही प्यारा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू मैनी व्लॉग। सो गाइस, फिर से हो गई है एक व्लॉग की शुरुआत बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से। सो गाइस, आज निकल रहा हूँ नैनीताल चाइना पीक। तो गाइस, मौसम बहुत प्यारा है और जाने का भी प्लान था नहीं, अचानक संगीता का फोन आया, बोलती सर चल तो थोड़ा नैनीताल घूम करके आते हैं, चाइना पीक उसने देखी भी नहीं है। मैंने कहा चलो जाते हैं। और गाइस, मेरे आज ना अभी नए वाले जूते पहने, रीजन की आने वाले टाइम पे मैं एक बहुत बढ़िया से ट्रैक करने वाला हूँ, तो उस ट्रैक में जूते कितने कारगर साबित होंगे उसके लिए मैंने अपने नए जूते पहन लिए हैं। ये वाले जूते देखिए गाइस, जो मैं अभी कुछ दिनों पहले लेकर के आऊँ अपने लिए एडिडास के, और काफ़ी रफ एंड टफ जूते हैं। ये निकाल लेते हैं ना, लोग बोलेंगे बताओ टैग नहीं निकाला इसने अभी तक। सो चलिए, पूजा पाठ वगैरह भी हो गई है, अब नाश्ता वास्ता कर लेते हैं ना चाचू। अभी हम क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे ना। चलो फिर आओ नीचे आओ, रुको ना, जूता पहन लो पहले फिर चलेंगे, ठीक है। ओके ओके चाचू, बाय बाय, ठीक है, शाम को मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय हनी, बाय बाय। सो गाइस, फाइनली अब निकला जाए, पूरी तैयारी हो चुकी है। ओके चाचू, बाय बाय, बाय बाय। सो लेट्स गो टू नैनीताल चाइना पीक। सो गाइस, मैं पहुंच गया फिलहाल मुखानी चौराहा, रीजन की भाभी जी को सामान देना है पहले मुझे, फिर निकलना है डीसी, तो वहीं पर संगीता आएगी, वहीं से निकलेंगे फिर। लेकिन भाई साहब आप जाम देखिए, सोमवार का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है गाइस, जाम तो ऐसा हो रहा है ना भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। महिला हॉस्पिटल आने के लिए मुझे ऐसे घूम करके आना पड़ा, यानी कि मैं सीधे निकल के आ पाऊँ। तो भाभी जी बोल रही वहीं पर गेट पर ही है। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी के बेहतरीन कैफे में, जिसका नाम है गाइस फूड लवर, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत बेहतरीन कैफे है ये। सामने हमारी संगीता मैडम हाथ हिलाते हुए, और आप देख सकते हैं गाइस बहुत बढ़िया यहां पर लाइटिंग की हुई है, इनमें बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट है। और गाइज मिलिए मैम से, इनका आज बर्थडे है, तो हमने इनको किया हैप्पी बर्थडे विश। सो गाइज, कुछ देर रेस्टोरेंट में बैठने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ संगीता के साथ गाइज नैनीताल की तरफ, और गाइज मैं पहुंची हूँ नैनीताल रोड में। तो गाइज, आप भी सफर का आनंद सीधे आपसे मिलते हैं अब नैनीताल में। सो गाइस, कुछ देर यहाँ रुके हैं और सामने का गाइस आप व्यू देखिए, क्या मस्त लग रहा है, एकदम बढ़िया मस्त फोटो आई गाइस यहाँ पे। और मौसम तो गाइस इतना प्यारा हो रहा है, क्या बताऊँ आपको मैं, देखिए आप कितनी मस्त कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, वाह। सो चलिए गाइस, फाइनली इसी के साथ एंट्री ले ली हम लोगों ने गाइस नैनीताल में, और गाइस कितना प्यारा मौसम हो रहा है नैनीताल में, कोई कहेगा नहीं कि ये दिसंबर का टाइम है, ऐसा लग रहा है कि हम शायद मार्च अप्रैल के टाइम पे यहाँ पर आ गए होंगे गाइस सच में। और ये बंदे ने गाड़ी क्यों लगा दी आगे से, चलो कोई नहीं, हम साइड से निकलते और दिखाते गाइस आपको नैनीताल की खूबसूरत वादियाँ। सो गाइस, पहुंच गए हैं नैनीताल, स्कूटी पीछे पार्क कर दी है, अभी संगीता मैं अपने दोस्त को फोन कर रही है जिसका आज बर्थडे है, कि वो बर्थडे में क्या पार्टी करने वाली है, फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे इस यहीं चाइना पिक जाने का, देखते हैं क्या होता है। और मौसम सही हो रहा है, देखिए आप बढ़िया अच्छी चहल पहल हो रही है। और एक चीज़ और, यहाँ पर सीपीयू आ चुकी है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं बिना हेलमेट के यहाँ आना तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सीपीयू वाला चालान काट रहा है ठीक ठाक। स्कूटी में अच्छा। सो चलिए, इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चाइना पीक के बेस कैंप में, यानी कि यहाँ पर हमको बाइक अपनी स्कूटी लगानी होती है, तो भाई ये जगह ठीक लग रही मुझे, तो यहीं पर अपनी स्कूटी टेक देते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए गाइस, फाइनली पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, स्कूटी मैंने यहाँ पार्क कर दी है,
और अब तो गाइस काफी अच्छा कर दिया, गेट रेडी बना दिया हमें, पहले ऐसा कुछ था नहीं। सो गाइस करते हैं अपना ऐसे ट्रैक स्टार्ट। अब कहाँ गई हमारी संगीता मैडम, वो शायद निकल के आ गए, क्या बात है। मैं आपको ढूंढ रहा हूँ नीचे, आप यहाँ पहुँच गए। हाँ मतलब मेरे को लगा गेट के पास में होंगे, क्या बात है। चलिए जी, आह अब मजा आने वाला है। अब थोड़ा सा मेरे जो जूते हैं ना, इसका मालूम पड़ेगा मुझे, है ना। नहीं ट्रैक में कितने मतलब सफल है ये थोड़ा देखने को मिलेगा। ओहो पता थोड़ा सा ही आने में सांस फूलती है, फिर ऊपर नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर खड़े हो गए थे आप आने के बाद। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद ये ट्रैक कर रहा हूँ, तो बैंड बज रही है, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ से हिमालय का व्यू। ये देखिए आप सामने कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। सो भाई यहाँ से शॉर्टकट लिया था, ये समझ के यहाँ पर बढ़िया जगह से पहुँच जाएंगे, लेकिन फंस गया और उल्टा। अब आराम आराम से यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं यहाँ से कैसा रास्ता है और कहाँ पहुँचते हैं। ओए जमे देखना, आजकल बाघ का आतंक हो रहा, और बाघ आजकल लड़कियों को खा रहा है। हाँ कहीं और आगे, अच्छा आप ही ने बोला यहाँ को चलो करके। अच्छा खासा रास्ता छोड़ के शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे होता है। देखो मेरे से मेन रास्ता ये वाला है, देख लो पहले फिर तभी मैं आऊँगा। कहाँ पहुँच गए, है कुछ वहाँ पे नीचे का रास्ता है, आऊँ। चले गाइस यहाँ तक आ गए, तो अब ऊपर ही चलते हैं फिर। अब मौसम तो गाइस ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ को ना हवा चल रही है ठंडी। कहाँ मतलब वहीं पहुँचेंगे वापस, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ करके, शॉर्टकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आराम से हाँ चलिए जी, माठू माठू। शायद हमसे पहले भी काफ़ी लोग जो हैं इस रास्ते में आके फंसे होंगे पक्का, तभी ये रास्ता इतना अच्छा बना हुआ है। आराम से है नए रास्ते की खोज की, सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बीच बीच चल रहे हैं, यहाँ भी खाई है यहाँ भी खाई है, और हम लोग सीधे निकल रहे हैं यहाँ से। लेट्स गो, देखते हैं भाई कहाँ लेके जाती है संगीता मैडम आज हमको। यहीं से नीचे उतरते हैं, छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ कहीं और ही पहुँच गए तो बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी खतरनाक है, आराम से उतरना पड़ेगा। ओए वही था मेरी भली की हो, आ जाओ आराम से। हाँ चलिए घूम फिर के वहीं पहुँच गए जहाँ हमको जाना था। बताइए यार शॉर्ट के चक्कर में, डोंट टेक शॉर्टकट। सो गाइस आधे घंटे का ट्रैक हो गया, ओहो पसीना हो गया और ठंडा भी लग रहा है साथ साथ में, दोनों चीज़ एक साथ। ठंडी हवा चल रही है ना तो ठंडा लग रहा, ओहो लेकिन मज़ा आ रहा कुल मिला के। प्रैक्टिस हो रही है मेरी आने वाले जो मेरे ट्रैक है 21 तारीख का, उसकी सही हो रहा मैडम, मज़ा आ रहा। सो चलिए गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं गया, थोड़ा सा दूरी रह गया है। ये आ गया गाइस
जीना बाबा का मंदिर छोटा सा, ये पुराना सा कुछ रेस्ट हाउस फॉरेस्ट वालों का, ये भी एक रेस्ट हाउस है। यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी है। थोड़ा सा रह गया बस, आ जाओ यहाँ से ट्रैक करना हल्का सा, फिर गाइस हम पहुँच जाएंगे फाइनली अपने चीना पीक में। वाह सच में गाइस ये ट्रैक करने का मजा कुछ और ही है। वाह वाह यार बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा ही प्यारा है। हाँ सच में हाँ प्यारा है, हाँ है ना, बहुत ज्यादा सुंदर है, संतुष्टि मिलेगी यहाँ पर आके। सो फिर गाइस अभी आपने देखा संगीता मैडम का रिएक्शन, सच में गाइस यहाँ पर आने के बाद ना कुछ अलग ही व्यू लगता है। देखिए आप आए हाय हाय हाय, मतलब जितना आप खुली आंखों से देख पाओगे ना, है ना, वीडियोस में उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन खुली आंखों से देखने में अलग ही मजा आता है। वाह और यहाँ पर बैठने के बाद में लगता है कि जितना हमने चढ़ाई चढ़ी ना सब सफल हो गई। देखिए आप अलग ही सुकून है यहाँ पे। सो भाई अब थोड़ा लंच टाइम, यहाँ बैठ के चिप्स खा रहे हैं। और मैंने कहा यहाँ पर ना टाइम लैप्स लगाया हुआ है, आपको टाइम लैप्स देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया यहाँ पे। ओके सो गाइज मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है डेड, तो गोप्रो से व्लॉग बनाना पड़ रहा है, लेकिन गोप्रो से भी व्लॉग काफ़ी बेहतर बनता है, बस थोड़ी सी वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आती है और कुछ नहीं। तो गाइज फाइनली ये था फिर हमारा ट्रैक हल्द्वानी से लेकर चाइना पिक तक का। तो गाइज बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचाई। थोड़ा सा संगीता मैम के पास चलते हैं और पत्रकार पूछता है संगीता मैडम से कि मैम कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के। बहुत अच्छा, हाँ मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियोस में तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन सामने यहाँ आने के बाद जो लगता है ना बहुत प्यारा लगता है, जो खुली आंखों से देखने का जो नज़ारा है ना, सुकून है ना, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर अगर आप गाएंगे ना गाइस तो आपको फील होगा कि हाँ यार जो हमने इतनी चढ़ाई चढ़ी ये सफल हो गई। थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, हाँ उसमें परेशान मत होना, है ना, लेकिन जो एंड है वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर अंत अच्छा है ना तो समझ लीजिए उसका जो रास्ता बहुत टफ होने वाला है। सो फिर गाइस आज का व्लॉग जो है यहीं तक था, करते हैं इसको यहीं पर समाप्त। हा? और निकल क्या नहीं करें समाप्त, अभी और भी तो है, अभी और भी है कुछ करना। अच्छा नीचे वेट कर रहे हैं, अरे यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, अरे जाके उनसे भी मिलवाते हैं। दो लोग और है गाइस हमारे साथ में, एक मैम जिनका बर्थडे जो मैंने बताया भी आपको, जो पार्टी देने वाली है अभी, भूख तो बहुत तेज लग रही है, ऊपर नहीं आ पाई है, हाँ क्योंकि उनकी हालत ऊपर आने वाली नहीं थी, है ना। तो कोई बात नहीं, चलते नीचे और पार्टी लेते हैं। अभी व्लॉग एंड नहीं करते हैं, अभी नीचे पहुंच के कंटिन्यू करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सो गाइस हो गया हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ सामने चाइनाटाउन टाउन से, अब चलते हैं। और गाइस यहाँ पर कैपिटल सिनेमा के पास में है चाय सुट्टा बार, चाय पीते हैं गाइस। और अभी जो टाइम हो रहा है ना 5:15 हो गया, तो अब निकलते हैं गाइस चाय पी कर के घर को। सो हमने सोचा कि चलो खाना खाते खाते फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, तो फ़ोन हो गया 30% चार्ज, तो ये तो अच्छी बात हो गई यार, और मस्त मौसम हो रहा भाई। सो गाइस पहुँच गए हैं कैपिटल सिनेमा और यहाँ पर है चाय सुट्टा बार, कहाँ है ये सामने जो है, अंदर बैठ के पीते हैं, बाहर ठंडा हो रहा भाई। चलिए सो आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। सो जी चाय पी ली है बढ़िया से चाय सुट्टा बार से, अब निकलते हैं वापस हल्द्वानी और अंधेरा हो गया गाइस देखिए अब। सो फाइनली गाइस अब करते हैं व्लॉग को फाइनल एंड। तो गाइस ऐसे ही आना हो गया आज बहुत टाइम के बाद नैनीताल में, तो बहुत मज़ा आया, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। तो फिर गाइस अगर आपको मेरा पूरा व्लॉग जो था अगर पसंद आया हो तो उसको एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे आपसे बेहतर और एक बेस्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।